हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग श्याम में। देखिए, KVS का जो है TGT का जो क्वेश्चन 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है और ये क्वेश्चन पेपर है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और सभी सब्जेक्ट के लिए एक ही क्वेश्चन होता है और इसका जो सिलेबस दिया हुआ है 10 नंबर इंग्लिश रहेगा, 10 नंबर कंप्यूटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले आप सिलेबस 10 नंबर का इंग्लिश होगा, 10 नंबर का हिंदी होगा, 10 नंबर का कंप्यूटर होगा और 40 नंबर का जो होगा ये जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर होता है। फिर 40 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 40 नंबर का रीजनिंग, ये सब जो हो जाएगा, 40 नंबर का रीजनिंग पूछता है और 40 नंबर का जो हो जाएगा आपको, 40 नंबर का जो है बाल विकास पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका कितना हो गया, 10 दिया 30 हो गया, इधर 4 दिया 12, 120, यानी 150 क्वेश्चन का पूछता है। तो हम देखते हैं, इसका डिस्कशन करेंगे और साथ में आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कह रहा है, इफ़ आई हैड नॉट टोल्ड यू, यहाँ जो दिया है यू विल नॉट नो द ट्रूथ, ये जो है ये कह रहा है, गलत दिया हुआ है, इसको सही इसमें क्या भराएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यू वुड नॉट हैव नॉन, ये हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, और ये ऑफिशियल आंसर की दिया हुआ है, जो रंगा हुआ है जो पीला कलर से, वो ऑफिशियल आंसर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें कह रहा है भरने के लिए, जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही, खाली स्थान टूडे, इसमें क्या भराएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विल बी कमिंग हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है आई डू नॉट बदर मच अबाउट मनी, आई, खाली स्थान कह रहा है भरने के लिए, अबाउट इट ऑल माई लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हैव नेवर, ये हो जाएगा इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, चूज द एक्सप्रेशन डैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड हुडलम, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको कह रहा है डिस्क्राइब करने के लिए, इसमें ए हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए वायोलेंट क्रिमिनल। ठीक है, इसका जो मीनिंग हो जाता है, ए वायोलेंट क्रिमिनल हो जाएगा। इसका 5 नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है कॉमन एरर टाइप का दिया है, फ्रेज दिया है, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस डैट मे बी इरेनियस। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है, द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक ए फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप फॉर द LDC एंड UDC। ठीक है, इसमें जो बी नंबर इसका, इसमें गलती दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें चूज द मीनिंग डैट बेस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग आइडियम, आइडम फ्रेज कह रहा है, बी बॉन्ड अप विथ, बी बॉन्ड अप विथ माने ये फ्रेज दिया है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर दिया है ऑफिशियल में, ए भी दिया है और 4 भी दिया, 1 भी और 4 भी दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका दोनों आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया, क्या कह रहा है, ये अपोजिट वर्ड कह रहा है, इसका अपोजिट वर्ड कह रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, जॉर्ज वाज लेट टू रेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो रंग अंडरलाइन किया है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कह रहा है, चूज द एक्सप्रेशन डैट बेस्ट डिस्क्राइब फॉर द वर्ड, ये जो वर्ड दिया हुआ है, इससे पहले इस तरह का देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर, अडॉप्ट टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग। ठीक है, इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां जो कह रहा है, ए नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन इविक्टेड फॉर नॉट पेइंग
दरअंत, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थ्रो आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 गो क्वेश्चन इंग्लिश का हो गया। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हिंदी का हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, 10 इसमें भी पूछा गया है। 10 नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन है 11 हिंदी का, 11वां, कल तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए, ठीक है। ये जो लिखा है कल, एक तो करेला दूजे तो नीम, इसका जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा, तो ये इसका अर्थ 3 नंबर है, एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है, अर्ध तत्सम कौन हो जाएगा, तो ये अक्षर, ये जो लिखा है अ च छ सर 2 नंबर, ये अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, कह रहा है जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास होता है जल पिपासु में, याद रखना है। 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। ये 14वां हो गया। 15वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक काव्य ही काव्य है, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है, तो यह है विश्वनाथ का, ठीक है दोस्तों। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कामयानी का काव्य रूप क्या माना जाता है, तो ये जो कामयानी है ये जो है ये महाकाव्य के रूप में माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तपोवन शब्द में कौन सी संधि है, तो तपोवन जो होता है विसर्ग संधि हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो ये पश्चिमी हिंदी से हो जाएगा, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है, असंगत कह रहा है खोजने के लिए, तो देखिए यहाँ है पीना खाना, ये इसका आंसर हो जाएगा, खाना पीना यहाँ होना चाहिए, यहाँ देखिए अचार विचार होता ही है, नून 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 तेल होता है, अंजल होता है, ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन हिंदी का भी हो गया, तो 20 क्वेश्चन टोटल हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन 2015 का उठा लिया, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, 2015 में स्थापित हरित राष्ट्रीय लेखागार यानी GNA योजना को रूप देने वाले विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जो पार्थ दास गुप्ता, इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए, कोरम जो होता है 1/10 जो कोरम होता है, वही कोरम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो 20 फरवरी 2018 है ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम क्या होगा, ठीक है, ये कह रहा है कालक्रम के रूप में सजाने के लिए, तो सबसे पहले जो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दूसरा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 1919 ईस्वी में हुआ है। तीसरा बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ है 1928 ईस्वी में हुआ था, और रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में, ये हुआ है 13 अप्रैल का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो कौन हो जाएगा, सबसे पहले रॉलेट एक्ट हुआ था, तो 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद कौन हो जाएगा, तो खिलाफत आंदोलन 1920, और इसके सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, बारदोली का किसान आंदोलन, ठीक है। तो इस तरह से आंसर नंबर इसका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय यानी सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं, 3 गो है और 1 नहीं है, सो कह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा ये नहीं होगा, और हाई कौन कौन सबसे जरूरी ये है, तो ये हम देखेंगे कौन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो सब देखिए क्या सब है, सहजता से प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच, ठीक है, ये भी है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वजनिक पहुंच, ये भी है, और सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी की निःशुल्क शिक्षा, ये भी है, तो ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 3। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा मूल निवास रहते हैं, तो किर्गिज रहता है रूस के स्टेपी क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सह अंशदायी पेंशन योजना, सह अंशदायी जो पेंशन योजना स्वावलंबन स्व
स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। कब किया गया है? तो 2010-11 का जो बजट प्रस्तुत किए थे केंद्र सरकार, तब घोषणा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है शेष चलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल आंसर एक दिया है, 4755.9 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्थान कौन सा है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए? तो ये हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, कह रहा है पंचायत का कार्यकाल होता है तो प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष होता है। ठीक है, ये देखिए बहुत रोमांचक क्वेश्चन है। इसका जो पंचायत का कार्यकाल कब से लिया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक। देखिए इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है चुनाव की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष, जब चुनाव की घोषणा हो तब से, तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है पिछली पंचायत के विघटन की तिथि से 5 वर्ष, ये भी नहीं होगा। परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष, ये नहीं, इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसानों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना किस राज्य सरकार द्वारा पहल की गई है? तो यह है गुजरात सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस की वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की सामर्थ्य अधिक है? ग्लोबल वार्मिंग का सामर्थ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है अधिक? तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड कहते हैं, जिसका अनुसूत्र है FX6 होता है, SF6 होता है। ये है देखिए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेना है, यहाँ लिखना है सबसे ज़्यादा कह रहा है, तो ये हो जाएगा SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप अंडों की टोकरी यानी बास्केट ऑफ एग्स असलाकृति का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा ड्रमलिंग करता है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमा निम्नलिखित किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ भीमा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2018 के एशियाई खेलों के पुरुष शॉटपुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है किसने? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है की स्टोन प्रजातियाँ क्या है? की स्टोन प्रजातियाँ के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है वे प्रजातियाँ जिनका अपने समुदाय की ऊर्जा प्रवाह तथा संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, ये होता है की स्टोन प्रजातियाँ। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देख लीजिए, वे प्रजातियाँ जिनका अपने समुदाय की ऊर्जा प्रवाह तथा संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये होता है की स्टोन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य ने आहार योजना की शुरुआत की जो शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है? तो यह है उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल दरबार में जिस सुलेखाकार को सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत किया गया था वह किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो है अंबारीन कलम से उसे पुकारा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो यह हो गया नयनवार से है। ठीक है, अलवार और नयनवार होता है, तो इससे किससे हो जाएगा? नयनवार से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? तो पीसी महावलोविस को भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 41 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने वाला। ठीक है दोस्तों, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम 2 से मिला देंगे। अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो ये देख लीजिए, इसका हो जाएगा 39A का संबंध इससे हो जाएगा, अनुच्छेद 41 का इससे हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो ये है काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां तथा मातृत्व राहत, और अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? 1 से हो जाए, न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करना। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मिलान करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए, कहा पीसी महावलोविस, देखिए पीसी महावलोविस से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो पीसी महावलोविस किससे हो जाएगा संबंधित? ये हो जाएगा 3 नंबर से, द्रुत औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सबल बनाना। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा के एन
राज, के एन राज का संबंध किससे हो जाएगा, तो दूसरा से हो जाएगा कृषि क्षेत्र को सबल बनाना, और तीसरा हो जाएगा जे सी कुमारपा का संबंध किससे हो जाएगा, तो ग्रामीण औद्योगिकरण से हो जाएगा, और वर्गीज कुरियर का संबंध किससे होता है, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए सहकारिता मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष सह अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबूत के रूप में माना गया है, तो ये जो टाडा था 1985 में, अब तो टाडा को ख़त्म कर दिया गया है, तो ये टाडा के तहत था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को, तो जन्म जो बौद्ध के बारे में पूछा है, जन्म किसका प्रतीक था, तो हाथी का प्रतीक था गज जिसको कहा जाता है। दूसरा संबोधि किससे संबंधित है, तो संबोधि जो है बोधि वृक्ष जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रथम उपदेश किससे दिया गया है, प्रथम उपदेश जो दिया गया है तो वो धर्म चक्र परिवर्तन कर रहा था, इससे चक्र हो जाएगा। और परिनिर्माण किससे संबंधित हो जाएगा, तो स्तूप से, मर जाता है तो क्या होता है, स्तूप से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जलवायु का वह कौन सा रूप है जिसे हिमालय, एंडीज और एल्पस के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है, तो ये उच्च भूमि जलवायु है। ठीक है, ये जो है हिमालय है, एंडीज है, एल्पस, ये है सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय हो गया एशिया का सबसे ऊँचा पर्वत, एंडीज हो गया यूरोप का, और एल्पस हो गया अमेरिका का। ठीक है, तो इसी के बारे में कह रहा है उच्च जलवायु हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सी से अधिक और 18 डिग्री सी से कम होता है, ये हो गया कोपेन की जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एनके सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी महिला टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियन 2018 के विजेता है, तो ये चीन था, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सशक्त कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2018 में की गई, ये क्या है सशक्त कार्यक्रम, तो कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबाव में आई परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सशक्त कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार द्वारा जुलाई 2018 में की गई थी, इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध स्थानिक प्रजाति यानी एंडेमिक स्पेसीज से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑफिशियल आंसर हो जाएगा। कह रहा है वे प्रजातियां जो केवल किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है सामान्यतः प्राकृतिक या भौगोलिक रुकावटों के कारण अलग थलग होते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो जिसमें समय और स्थान के अनुसार उसका विवरण भी ठीक न हो तो उसे कहा जाता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है उसको। 51 नंबर देख लिए, कह रहा है 1973 में निम्न किस भौगोलिक क्षेत्र में अलबरूनी का जन्म हुआ, तो अलबरूनी जो था उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था अलबरूनी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस स्थान पर समुद्र सतह से नीचे धान की खेती का काम किया जा रहा है, तो जीरो वैली में धान का खेती कर रहा है, समुद्र सतह से नीचे जीरो वैली में धान का खेती किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता खेल पत्रकार क्लब के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम दिया गया, तो ये सुनील छेत्री है, इसका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर मिलान करने वाला है तो जहाज महल कहाँ हो गया, तो जहाज महल जो है मध्य प्रदेश में जहाज महल हो गया, इसको इससे मिला देंगे। दूसरा है अंग महल, अंग महल कहाँ है, तो नागालैंड में अंग महल है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है, राइटर्स बिल्डिंग जो है पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग है। और सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है, तो तमिलनाडु में, इस तरह से मिला दे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर कह रहा है 2018 के एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर निम्नलिखित में किसने प्राप्त किया, तो द शेप ऑफ वाटर ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर प्राप्त किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2018 में प्रकाशित उपन्यास दी वुमेन इन द विंडो का लेखक कौन है, दी वुमेन इन द विंडो का लेखक कौन है, तो एजे फिन है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, तो बुलर झील है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या
क्या भारत के संविधान के भाग तीसरा का अंग नहीं है, तीसरा का अंग पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये संविधान के भाग तीन का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो प्रकाशित कर रहा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अब रीजनिंग आ गया है, रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम देख लेंगे, आप बारी बारी से बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर, रीजनिंग का आप आंसर देख लीजिए, सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल आंसर है, किसी परिवार में चार बहनें, इनमें से नवडूर मानवी से छोटी पर तोषणा से बड़ी है, इसका जो बनाएंगे तो इसका आंसर चार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको भी बनाएंगे, उस दुकानदार में अधिकांश खिलौने महंगे हैं, ये कथन कारक वाला हो जाएगा, इसका आंसर दो नंबर हो जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप सही से इसको रोक रोक के वीडियो को बनाएंगे तो सीख लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग का देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा दो नंबर। इसी तरह इसका आंसर, सभी का आंसर जो ये पीला कलर से जो रंगा हो गया है, इसका आंसर ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पीडीएफ डाउनलोड करके बारी बारी से कॉपी पर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये 40 को रीजनिंग पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप बना सकते हैं। चलिए हम रीजनिंग छोड़ के हम देखते हैं, आप डिस्कशन करते हैं जो पेडागोजी किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए रीजनिंग पूछा हुआ है, रीजनिंग हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, नहीं तो और भी क्वेश्चन सब इजी दिया है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये 96, 97, 98, यहाँ से देखिए, अब देखिए आप कंप्यूटर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर साक्षरता को हम देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला जो है 101 नंबर, एमएस एक्सेल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से कार्य किया जाता है, तो इसमें कह रहा है तीन वो दिया हुआ है, तो कह रहा है विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करना, ये सही बात है, इससे हम कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायकों का उनके घराने के साथ नाम का स्टोर करना, ये भी हो सकता है, और म्यूजिक वीडियो चलाना, ये नहीं होती, इसका आंसर एक और दो हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है VGA से तात्पर्य है, VGA से तात्पर्य क्या होता है, इसका हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, VGA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तीन नंबर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना की प्रविष्टि करते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डाटा ले जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मॉडेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो होगा ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग और ड्रॉप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो ये सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में एमएस ऑफिस फाइलों का एक्सटेंशन अंतर्निहित है, ये जो इसका आंसर दो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, XLSX ये सब जो है लिखा हुआ, ये दो नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्कशीट यानी एमएस एक्सेल में निम्नलिखित संख्यात्मक डाटा प्रविष्ट पूर्व निर्धारित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो राइट कहा जाता है, जो पूर्व निर्धारित से रहता है उसे क्या कहा जाता है, राइट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड शो में कौन सा काम संभव है, कौन सा काम कह रहा है संभव है, तो देखिए पहला जो कह रहा है किसी वेबसाइट को ब्राउज करना, ये भी है, ये भी संभव है, यूट्यूब वीडियो चलाना, ये भी संभव है, और कक्षा का परिणाम तैयार करना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक और दो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा को खाली स्थान के रूप में निरूपित किया जाता है, तो केवल दो अंक 0 और 1 के रूप में निरूपित किया जाता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक फैले एक वेब धानकारी प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ये होता है वायरस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में जाता है उसे क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब पेडागोजी का आ गया, शिक्षा शास्त्र का, इसका हम बारे में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा है 111 नंबर देख लीजिए, कह रहा है सतत व्यापक मूल्यांकन यानी CCA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ देखिए कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर, विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर
कम बल देना, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और हम ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। कह रहे हैं अध्यापक को पाठ्य पुस्तक पूरा करने में सहायता करने, अगर एक भी सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। तीसरा कह रहा है बालकों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, ये तो बिल्कुल आप काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है प्राधिकारियों को विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी करने में सहायता, ये भी हो जाएगा। आप अगर इसको हम डील कीजिएगा तो पहला और दूसरा में फंसेगा, ठीक है, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वक्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन नहीं है, अगर इसको बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर ऑफिशियल आंसर लिया गया है क्षमता की कमी को, ठीक है, जो कोई छात्र है वो कमज़ोर है तो कमज़ोर का कारण किसको बताएगा। स्वक्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन के कारण किसे बताएगा, तो क्षमता की कमी को बताएगा, ठीक है, इसका आंसर ए लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ये जो हो जाएगा इसको याद करने वाला चीज़ है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा, एनसीईआरटी आप नहीं मार सकते हैं, एनसीईआरटी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जब अध्यापक कोई कार्य ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो तो यह संभावना होती है कि अगर कोई बच्चा को हम जैसे छोटा क्लास का बच्चा है उसको हम बड़े क्लास का सवाल दे दिए तो उससे क्या होगा, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सटीक आंसर, कह रहा है एक संप्रेषण अवरोधक पैदा हो सकता है, ठीक है, उसको बनाने में दिक्कत हो सकता है, संप्रेषण अवरोधक। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह कौन सा है, तो एडुसेट है, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है, तो जो दृष्टिबाधित होगा उसको क्या होगा, श्रवण प्रणाली से अधिक सीख सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि, इसका कह रहा है क्या तर्क दिया जाता है पाठ्य पुस्तकों को, देखिए 1 नंबर कह रहा है पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती है, यह सही हो सकता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। देखिए ए नंबर जो हो जाएगा पूर्ण रूप से सही नहीं, लेकिन 2 नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, इससे हम देखते हैं कोई दमदार होगा तो उसको हम लेंगे। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रामाणिकता विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर जो है 3 लिया गया ऑफिशियल। और चौथा कह रहा है पाठ्य पुस्तकों की लागत कम होती है, तो ये नहीं होगा, 1 नंबर और 4 नंबर कट जाता है, 2-3 में आप फंसेंगे, लेकिन इसका आंसर 3 लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 18 नंबर एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों के पास हुए छात्र भाग ले रहे हैं, उनके उपलब्धि अंकों की व्याख्या करने की सर्वोत्तम तकनीकी क्या है, ठीक है, तो ये जो होगा टी स्कोर सर्वोत्तम तकनीकी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी उसी तरह का व्यवहार करें, एक टीचर जो है क्लास में जिस तरह से व्यवहार करता है तो वो जो टीचर सोचते हैं उसी तरह से छात्र भी व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है, तो यहाँ जो हो जाएगा मॉडलिंग, ये भी साधारण क्वेश्चन नहीं है, आप मारेंगे पुनर्वलन, अधिकतर स्टूडेंट क्या मारेगा पुनर्वलन, लेकिन पुनर्वलन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा मॉडलिंग आंसर लिया गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पीयर मान का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत और थर्न टाइप के बुद्धि के सिद्धांत से संबंध ऐसा ही है जैसे, कह रहा है तो ये कह रहा है अंतर्जात का है पर्याय से, ठीक है, उसी तरह संबंध होता है स्पीयर मान का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत और थर्न टाइप के बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण की एक इकाई में होगा, क्या होगा शिक्षण की एक इकाई में, तो अनेक अध्याय होता है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती है, ठीक है, महंगी होती है, ये नहीं होगा, दूर स्थानों से लाए गए सामग्री से निर्मित होता है, इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है स्थानीय तौर पर विकसित होता है और चौथा कह रहा है प्रासंगिक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम प्रभाविकता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन क्या हो जाएगा, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है देख ले, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है अनुक्रिया के पहले होना चाहिए न कि बाद में। देखिए इसमें एक में और दो में आप फंस सकते हैं। ठीक है तो इसका जो आंसर जो होगा अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए, ठीक है बाद में नहीं। तीसरा कह रहा है अधिकतम बलशाली होना चाहिए, बलशाली से इसमें कोई अथी नहीं है। तीसरा चौथा कह रहा है इनमें सही अनुक्रियाओं की पुरस्कृति व गलत अनुक्रिया को दंडित साथ साथ किया जाना चाहिए, तो ये दंडित करने वाला बात कभी नहीं होता है बच्चों को, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 124 नंबर, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। ठीक है तो पहला ऐसे है उसे बायां हाथ प्रयोग करने से प्रोत्साहित करेंगे, ये भी ऑप्शन हो सकता है। दूसरा कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तीसरा कह चिकित्सीय सहायता लेंगे। और चौथा उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति। सबसे सटीक आंसर इसका चार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर कह रहा है प्रभाव के नियम का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया का सीखना या न सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है, ये प्रभाव का नियम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 126 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है, तो ये वाचन वैकल्य जो होता है विकासात्मक विकार नहीं होता, तो होता है क्या सब देख ली, स्वलीन वर्णक्रम विकार ये होता है, ADHD ये होता है, अप्रामस्तिक घात ये भी है, ये तीन गो होता है और ये पहला नहीं होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण दूर संचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं, तो अभिसारिता कहते हैं, इसका आंसर चार हो जाएगा। ठीक है यहाँ जो ऑप्शन दिया है ऑनलाइन कम्युनिकेशन ये नहीं होगा, इंटीग्रेटेड मीडिया ये भी नहीं होगा और चैट रूम ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी छात्र की जरूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को सामंजित करना ताकि वह उसमें भाग ले सके और शिक्षण अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके क्या कहलाते, ये जो हो गया अनुकूलन कहलाते। ठीक है यहाँ जो फंसने वाला था अनुकूलन और रूपांतरण में फंसने वाले थे। ठीक है दोस्तों रूपांतरण तो नहीं होगा यहाँ, आत्मसातकरण या अनुकूलन में फंसने वाले, तो यहाँ आत्मसात नहीं होगा, क्या हो जाएगा अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, तो सामाजिक अवरोध हो जाएगा, समावेशन में सबसे बड़ा बाधा इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड नहीं है, मानदंड कह रहा है नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला का अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर ये नहीं देखा जाता है, जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उसमें क्या सब देखा जाता है, ये तीनों चीज़ देखा जाता है, तो क्या सब देखा हम देख लेते हैं। पिछली परीक्षा में शिक्षार्थी का प्रदर्शन ये देखा जाता है, शिक्षार्थी की क्षमता ये भी देखा जाता है और शिक्षार्थी की आकांक्षाएँ ये भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यचर्या उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिकतम स्वतंत्र मिलती हैं, सबसे अधिक स्वतंत्र किस में मिलती हैं, तो क्रिया केंद्रित उपागम में, क्रिया केंद्रित यानी खुद से जो क्रिया केंद्रित करेगा उसमें अधिक उपागम मिलेगा। ठीक है 132 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कह रहा है अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार हैं, क्या है केंद्रीय विचार, ये चार को दिया है उसमें से छांटने के लिए कह रहा है, तो ठीक है देख लेते हैं। पहला जो कह रहा है शिक्षार्थी अपने स्वयं का ज्ञान बनाने में सक्रिय रहते हैं, ठीक है दोस्तों ये भी सही हो जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है छात्रों का पूर्व ज्ञान और विश्वास मुख्य आदान है, ये नहीं होना चाहिए। अध्यापकों का संकल्पनात्मक ज्ञान गहरा होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। चौथा कह रहा है ज्ञान निर्माण में सामाजिक परस्पर क्रियाएँ आवश्यक होती है, तो एक और चार जिसमें हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए 133 कह रहा है जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो वह किसका निर्देश करता है, ठीक है तो ये जो निर्देश करता है प्रक्रियात्मक ज्ञान का निर्देश करता है, इसका आंसर तीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संसाधन का कार्यक्षेत्र अधिकतम होता है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर समुदाय, सामाजिक के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा समुदाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों
अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है मॉस्लो जो 1970 के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यक है। अस्तित्व हेतु आवश्यक है क्या, तो इसका जो ये जो इसमें जो चार दिया है उसमें से आपको छांटना है कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो दिया हुआ है, इसमें पहला जो दिया हुआ है समान संबंधी आवश्यकता, ठीक है। दूसरा है ज्ञानात्मक आवश्यकता, तो समान संबंधी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ज्ञानात्मक हो जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है सौंदर्य परक आवश्यकता, सौंदर्य से कोई इसका मतलब नहीं रहता है, होना चाहिए ये सौंदर्य परक आवश्यकता, ठीक है। चौथा का है प्रेम और आत्मीयता, प्रेम और आत्मीयता नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है IEDC यानी IEDC जो होता है निःशक्तों के लिए समेकित शिक्षा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिजेबल, ठीक है। सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था, तो ये जो आरंभ हुआ था 1970 के दशक में, ठीक है दोस्तों। डिजेबल से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार KVS में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है क्या, तो इनएक्टिव अधिगम कहते हैं, इनएक्टिव अधिगम कहता है, लर्निंग कहता है, ये देख लीजिए इनएक्टिव अधिगम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, तो भाषा संबंधी खेल का किया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो प्रभावी संप्रेषण के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा सक्रिय होकर सुनना, अगर सक्रिय होकर सुनना जो सुनता है तो वो हो जाएगा प्रभावी संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 140 नंबर कह रहा है अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, अंतर्दृष्टि वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 141 नंबर कह रहा है बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चाटा मारने और पीटने को उपयुक्त नहीं माना जाता, ठीक है। कठोर दंड के विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित तकनीकी में से किसका सिफारिश करेंगे, तो पहला जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कक्षा से बाहर कर देना, ठीक है। दूसरा कह रहा है विशेषाधिकार वापस लेना, और तीसरा कह रहा है मॉडलिंग, और तीसरा कह रहा है, तो इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका सही लिया गया है, शिक्षा से कक्षा से बाहर करना और विशेषाधिकार वापस लेना, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 142 नंबर कह रहा है समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किस में नहीं किया जाता है, समग्र मूल्यांकन आमतौर पर किस में नहीं किया जाता है, तो उपचारण में नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, उपचारण में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पाठचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है, पाठचर्या जो प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है, तो हिल्डा ताबा को जाता है, ठीक है, हिल्डा ताबा याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति वह है जो किसी निःशक्तता से कम कितना प्रतिशत से पीड़ित हो, जिसे किसे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अज्ञात किया गया है, तो 40% जो होता है वो निःशक्तता PWD के तहत आ जाता है, 1995 में ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक प्रयोग नहीं हो सका है क्यों, ठीक है। ICT का जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो गांव देहात में नहीं हो पाया है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ICT काफ़ी खर्चीला होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है, ये होता है बिजली की समस्या अब तो है नहीं। अगला क्वेश्चन अगला जो कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या की ICT के प्रति अधिक सकारात्मक सोच है लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। चौथा कह रहा है ICT में जटिल शब्दावली का प्रयोग किया जाए, तो ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर, ICT काफ़ी खर्चीला होता है। 146 नंबर देख लिए, क्या कह रहा है 146 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, तो ये जो है इसका 3 आंसर हो जाएगा सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों का पढ़ाया जाना, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 147 नंबर कह रहा है लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पादन करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं को किस पद द्वारा जाना जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर
स्वक्षमता के द्वारा इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 148 नंबर कह रहा है, कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक या गुणवत्तापरक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकड़ों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 149 नंबर, पाठ योजना के अनुसार, पाठ योजना आप देख बनाए होंगे तो उसके बारे में जानते हैं, पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं, जो पाठ योजना बनाते हैं पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे कम महत्व किसे दिया जाता है, इसका देख लीजिए। पहला जो कह रहा है पूर्ववर्ती ज्ञान की जाँच, ये है इसको सबसे कम महत्व देते हैं। ठीक है, प्रेरणात्मक प्रश्न इसको महत्व देते हैं, प्रस्तुतिकरण इसको महत्व देते हैं, ब्लैक बोर्ड लेखन इसको महत्व देते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती ज्ञान को महत्व की जांच कम देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक बाधित बालक निःशक्तता का तब अनुभव करता है जब वो क्या करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, कह रहा है वह ऐसे वातावरण में काम कर रहा है जो किसी काम में बालक के सफल प्रदर्शन का प्रभाव डालता है, तो इसका आंसर 4 नंबर। इस तरह से 150 क्वेश्चन हमने देख लिए, इसका आप PDF डाउनलोड करके बना सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन जो हम छोड़ दिए हैं, जो पीला कलर से रंगा गया है वो ऑफिशियल आंसर दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।